इंडियन प्रीमियर लीग में दोनों नई टीमों का जलवा शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। जहां 15वें सीजन में गुजरात टाइटंस एकमात्र ऐसी टीम है जिसे अभी तक हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सुपर जायंट्स भी पहला मैच हारने के बाद लगातार जीत की रथ पर सवार चल रहे हैं। गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए 15वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पछाड़ते हुए लखनऊ ने आईपीएल की अंक तालिका काफी इंटरेस्टिंग बना दी है, क्योंकि उनकी एक जीत से दूसरी टीमों को नुकसान उठाना पड़ गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के बाद कैसी दिख रही है पॉइंट्स टेबल की तस्वीर। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच जारी है, जहां हर खत्म होते मैचेस के साथ टॉप फोर में बने रहने की जंग काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक तरफ इस 15वें सीजन में टॉप आईपीएल टीम चेन्नई, मुंबई और दिल्ली का खेमा संघर्ष करते हुए दिख रहा है, वहीं बाकी टीमों की दरमियान कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स वार्नर और नॉर्कियो की वापसी से मजबूत तो हो गई, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने कैपिटल्स की एक ना चली और लीग की नई नवेली टीम लखनऊ ने कैपिटल्स को एक तरफा मुकाबले में हराकर लगातार तीसरी जीत अपने नाम कर ली है। और इसी के साथ केएल राहुल के सुपर जायंट्स ने पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त छलांग लगाते हुए पांचवें से दूसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है। वहीं डीसी को लगातार दूसरी हार मिल चुकी है, लेकिन दो अंक होने के कारण कैपिटल्स अभी भी सातवें पायदान पर बरकरार है। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले के बाद एक नजर अगर पॉइंट्स टेबल पर डालें तो फिलहाल आईपीएल 2022 में पॉइंट्स टेबल में केकेआर ने चार मुकाबले में तीन जीत और छह अंकों के साथ टॉप पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं एमआई के ऊपर एक बड़ी जीत मिलने से केकेआर का नेट रन रेट भी उठकर अब प्लस 1.10 का हो गया है। वहीं डीसी के ऊपर मिली एक शानदार जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के चार मुकाबलों में तीन जीत और एक हार के साथ कुल छह अंक हो गए हैं, लेकिन केकेआर के मुकाबले कम नेट रन रेट होने के कारण ये टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ चुकी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स एक स्थान के नुकसान से अब दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गई है। तीन में से दो मुकाबले जीतकर रॉयल्स टेबल में तीसरे स्थान पर खड़ी है। वहीं इसके बाद नंबर चार गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने पहले दोनों मैचेस जीते हैं और टाइटंस इस लीग में एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने अभी तक हार का सामना नहीं किया है। वहीं तीन में से दो मुकाबले जीतकर पंजाब किंग्स अब चौथे से पांचवें पायदान पर खिसक गई है। इसके बाद पिछले मुकाबले में एक रॉयल जीत हासिल करने के बाद आरसीबी की टीम टेबल टू में दो जीत और एक हार के साथ छठवें पायदान पर बरकरार है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स को भले ही लखनऊ से हार का सामना करना पड़ा हो, बावजूद इसके ये टीम तीन मैच में एक जीत और दो हार के बाद भी स्टैंडिंग्स में सातवें पायदान पर बनी हुई है, क्योंकि इनके बाद जो तीन टीमें हैं उन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है। पांच बार की विजेता मुंबई इंडियंस तीन में से तीन मुकाबले हार कर नवे पायदान पर लटकी हुई है, तो वहीं चार बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स भी अपने पहले जीत की खोज में है। डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके का हाल अब तक तो बेहाल ही रहा है, तीन में से तीन हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स आठवें पायदान पर खड़ी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन भी वही काम कर रही है जिसके लिए वो जानी जाती है। एसआरएच दो मुकाबले हार चुकी है और लगातार दूसरे सीजन लास्ट पर आने का अपना हक बनाए रखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीमें टॉप फोर में फिनिश कर सकती हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।